देखो ना, तो मंदिर मस्जिद को झगड़ा है ये राजनीति है, ना हिंदू मुस्लिम को झगड़ा है ये भी राजनीति है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई पहले से रहते हुए आ रहे हैं और आइंदा भी ऐसे रहेंगे, ये सोच के लोग हैं कुछ लोग हैं। है कुछ राजनीति मुद्दे होते हैं इस तरीके से, अब इन रोटी सेकनी होती है ना राजनीति में, वो कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसके लिए, तो वही सिस्टम चल रहा है। गड़बड़ाई गुड़गुड़ी वाला खेल लो, जब मंदारी आता है गुड़गुड़ी का खेल दिखाते हैं, वो थोड़े वक्त के लिए चलता है, फिर लोग अपने घर चले जाते हैं, मंदारी अकेला खड़ा रह जाता है। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तमाम समाज के लोगों को हमें एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अकेले अकेले कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बंदी झाड़ू से 5 किलो का बाट सक जाता है और अकेली सीट से 1 ग्राम नहीं सर। सब मुद्दे आपके सामने हैं, आपसे पहले क्या था, अब क्या है, क्या होगा, सब देखते आ रहे हैं आप, और आगे देखना ऐसे पलटेंगे। क्योंकि जो सरकारें इनसे नहीं चलती है, वो पब्लिक से चलती है, माइंड घुमाना पड़ता है। जिस तरह इन्होंने घुमाया अब हम घुमाएंगे। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ कांग्रेस के ऑफिस में और यहाँ पर जो शिल्पकारों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उदित राज जी के द्वारा, तो उसी में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर क्या नाम है? अनीश। तो क्या कुछ रहा आज, शिल्पकारों की बात की गई, ऐसे लोगों की बात की गई जिनके लिए कोई बात नहीं करना चाहता है, क्या कुछ रहा? बहुत अच्छा रहा जी, कारो इनकी बात अच्छी। आप लोग भी आए हिस्सा बने? जी हिस्सा बने जी, अच्छी लगी बात। कहाँ से आए? हम आए शामली से। शामली से आप यहाँ पे आए हैं इतनी दूर, आप भी मतलब कुछ नहीं जी, पद पर मजदूर आदमी, हम तो कहाँ पद पे सिलाई का काम करें, बस की वजह से आए भाई कुछ। तो अब क्या कुछ सहूलियत मिली है आप लोगों को यहाँ पे अभी आज? बात सुन के सहूलियत मिली, सहूलियत भी कुछ मिलेगी जो आगे कुछ होगा जी, बस सहूलियत ही क्या, गरीब आदमी क्या सहूलियत है। पहली बार हुआ है कि कोई कांग्रेस पार्टी से नेता आगे बढ़कर ऐसे लोगों की बात करे, वरना कभी किसी बात तो मंचों से सबने की है लेकिन सोचा नहीं, सोचा नहीं जी किसी ने। सही कह रहे जी, ऐसा हुआ जी आज कम से कम, ऐसा तो हुआ किसी ने सुना या सोचा कुछ तक, भाई यहाँ गरीब मजदूर आदमी भी है दुनिया में, बस इससे ज़्यादा तो जी मैं मेरे बड़े बड़े इनसे बात जी। आप सर आपका नाम जानना चाहूँ? मेरा नाम मोहम्मद इंतजार हसन है जी। जी सर कहाँ से आए? जी जिला मेरठ सरजना कस्बा। मेरठ से आए हैं आप, इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं जी, क्यों आखिर ऐसा क्या था जो आपको यहाँ आना पड़ा? जी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जो इसमें दस्तकारों की जो है बहुत अहमियत दी गई है, इसी के पर्पज से जो है हम यहाँ पे आए हैं। कुछ बात रही आप जैसे शिल्पकारों की, आप जैसे दस्तकारों की, आप इतना मेहनत कश लोग हैं, आप लोगों की बात की किसी ने, क्या कुछ मतलब? ये अपने काम की तरक्की के लिए जो है आदमी को जो है आगे बढ़ना चाहिए और जो है जितनी भी मेहनत कर सकता है आदमी उतनी मेहनत भी करनी चाहिए और अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस और ऐसी भावना जो पैदा करनी चाहिए जिससे कि हमारे जो है दस्तकारी जो है बहुत आगे तक जो है जाए और जो है हम जो है पैसा भी कमाएँ और नाम भी कमाएँ। क्या कुछ मतलब पॉइंट रहे यहाँ पर कि आप लोगों की आय बढ़े या फिर इस तरीके के कोई मतलब पॉइंट रहे? जी जी जी, ये इस तरह के पॉइंट तो ये बढ़ेगी आप लोगों, इसमें थोड़ा जो है इतनी मारामारी है, कोरोना है, इस तरीके से कोरोना बताया जाता है, फिर उसमें लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, फिर महंगाई इतनी है, तो कैसे मतलब? मैडम ये तो जो है महंगाई भी जो है सब थोड़ी सोच की बात है, वरना जो है जैसे कि इंसान जो है अपने काम के इस तरह से तरक्की कर रहा है या मेहनत कर रहा है उसी के आधार से महंगाई जो है कमती बढ़ती हो रही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी मतलब आपके सिलाई के दाम वगैरह चीज़ों को लेकर भी बात हुई? हाँ, उनके भी पैसे बढ़े हुए हैं, बढ़ाए जाएंगे जी, बढ़ाए जाएँ। और जो है हमारे उचित जो है सिलाई का आप क्या लेते हैं, और मतलब मैं ऐसे ही जस्ट पूछ रहा हूँ जी, जी सिलाई का मैडम जो है कुर्ता पजामे के 500 रुपये भी हैं, 400 भी हैं और 300 भी हैं। अब क्या कुछ मतलब इसमें तब्दील हुआ है, कुछ तब्दीली आई? अभी तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, अब आने वाली तब्दीली ऐसा बताया गया है जी। जी सर आपका नाम भी मैं जान? मेरा नाम कारी अहमदुर्रहमान कासमी नक्शबंदी और मैं ज़िला मेरठ के कस्बा सरदना से तशरीफ लाया हूँ और ये प्रोग्राम था दस्तकार संगठन का, हम दुआ करते हैं कि ये संगठन मजबूत हो जाए और जब तक ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे जब तक कोई सुनने वाला नहीं है। से इकट्ठा किया जाएगा और संगठन किस तरीके से मजबूत किया जाएगा? अब घर घर जाकर मेहनत करेंगे, लोगों को समझाएंगे, घर घर जाकर समझाएंगे लोगों को दस्तकार क्या चीज़ है, हम लोग अब से पहले क्या कर रहे थे, अब हमें क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। मतलब एक नई पहल की शुरुआत होगी? हाँ, पहल नई पहल होगी इंशाल्लाह और इसको
एंड तक उतारेंगे इसको। जिस तरीके से अभी मेरे को ये सवाल नहीं करना चाहिए पर हित में है तो करना चाहिए, जिस तरीके से ये मुद्दे गरमाए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद लगातार ये मीडिया दिखाता है, लगातार लोगों में इस तरीके की चीज़ें ला दी गई हैं, किस तरीके से हम लोगों को जो है संगठन में अपने एकत्रित करेंगे, कैसे उन लोगों को जो मतलब समाज और से समाज से जो है जानकारी नहीं है उन्हें, मगर जो युवा है सबसे ज़्यादा युवा आपको दिखेंगे। हाँ हाँ, देखो ना तो मंदिर मस्जिद को झगड़ा है ये राजनीति है, ना हिंदू मुस्लिम को झगड़ा है ये भी राजनीति है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई पहले से रहते हुए आ रहे हैं और आइंदा भी ऐसे रहेंगे, ये एक सोच के लोग हैं। कुछ लोग हैं है कुछ राजनीति मुद्दे होते हैं इस तरीके से, अब इन रोटी सेकनी होती है ना राजनीति में, वो कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसके लिए, तो वही सिस्टम चल रहा है। गड़बड़ा गुड़गुड़ी वाला खेल लो, जब मंदारी आता है गुड़गुड़ी का खेल दिखाते हैं, वो थोड़े वक्त के लिए चलता है, फिर लोग अपने घर चले जाते हैं, मंदारी अकेला खड़ा रह जाता है। ये मंदारी का खेल चल रहा है, चल रहे तो कोई दिक्कत है, सब हो जाए। इतनी पार्टियाँ आई लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ देश में, जिस तरीके से अब हो रहा है। कोई बात नहीं, ये मैं सही कह रही हूँ ऐसा? आपकी आप बिल्कुल अपनी बात जायज़ है आपकी बात में, और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया था मंदारी आता है गुड़गुड़ी बजाता है और वो पब्लिक इकट्ठा करता है और खेल दिखाता है और चला जाता है, पब्लिक अपने घर, वो अपने घर, बस ये होना, ये बहुत अनकरीब तख्ता पलट होगा, अभी तख्ता पलट किस तरीके से। अब देखो जब हम अभी क्या नाम संगठन मजबूत होगा, घर घर जाएंगे लोगों को जगाएंगे और बताएंगे तख्ता पलट। अच्छा, इसमें इस दस्तकारी में जो महिलाएं हैं उनका वर्चस्व जो है यहाँ पे भी बहुत थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्या महिलाओं को भी जागरूक किया जाए? सबको कर जाएगा, इसमें शिक्षा से भी सभी चीज़ होगी, सब पे मेहनत की जाएगी इसके अंदर। वो कोई भी देखो यहाँ ना तो समाज का मसला है, ना संगठन में कोई जात बिरादरी का मसला, सभी लोगों के लिए है, कोई भी कास्ट का किसी भी कास्ट का हो सभी को साथ लेकर चला जाएगा इसमें, सबको एक मंच पर लाना होगा, सबको मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और सब एक ही मंच पाएंगे और फिर सब सिस्टम बदलता चला जाएगा। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तमाम समाज के लोगों को हमें एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, तब भी हम कुछ कर पाएंगे, अकेले अकेले कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बंदी झाड़ू से 5 किलो का बाट सर जाता है और अकेली सीट से 1 ग्राम नहीं सरकता, तो बाट बनेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, पूरा रंग लाएगी, देखना तख्ता पलट होगा, देखना आप मौका मिला फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पलट किस तरीके से होगा करेंगे ना, देखो आपने तंज एक दो दिए बहुत अच्छे। अभी बता रहा हूँ आपसे, देखो जो जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब हो जाएंगे ना एकदम तख्ता पलट बना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर देंगे ऐसे, पहले से करते हुए आए हैं, बहुत लंबा समय हो गया करते हुए आए हैं, सब मुद्दे आपके सामने हैं, आपसे पहले क्या था अब क्या है क्या होगा सब देखते आ रहे हैं आप, और आगे देखना ऐसे पलटेंगे, क्योंकि जो सरकारें इनसे नहीं चलती वो पब्लिक से चलती है, माइंड घुमाना पड़ता है, जिस तरह इन्होंने घुमाया अब हम घुमाएंगे, माइंड ही तो घुमाना है, अब इन्होंने घुमाया था हम घुमा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। कैसे लाएंगे लाइन पे, माइंड घुमाया है, शुरुआत कर तो दी है। अच्छा, इसी शुरुआत से आप संगठन आयोग हो गए, बस अब हो जाएगा, हम दस्तकार संगठन मजबूत होगा, बिल्कुल मजबूती के साथ में, बिल्कुल मजबूती के साथ करेंगे इंशाल्लाह, और तख्ता पलट होगा, ध्यान रखना। शुक्रिया। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे सारे दस्तकार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सभी जो सिलाईकार हैं, जो शिल्पकार हैं, जो हर तरीके की मेहनतकश लोग हैं वो यहाँ पर सभी मौजूद हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं और महिलाओं के हित की भी बात की गई है, क्योंकि महिलाएँ जो हैं इस चीज़ों में सबसे पीछे रहती हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है और महिलाओं के लिए भी बात की गई है। अब लगातार जिस तरीके से इस संगठन मजबूत करने की बात कही गई है, देखते हैं कितना इन बातों में दम है। इसी तरीके से देखते रहिए सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, दिल्ली।